नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज़। तहलका न्यूज़ के चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा जी एक सफल मिशन की तरफ अग्रसर हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज के राजनीतिज्ञ जो राजनीति के शीर्ष पे रहे हैं उन लोगों से भी मार्गदर्शन लिया जाए और जनता के बीच उनकी आवाज़ को पहुँचाया जाए और अपने घोसी लोकसभा में एक नई ऊर्जा का संचार कराया जाए। इसी क्रम में दोहरी घाट के दो बार ब्लॉक प्रमुख रहे डॉक्टर ईश्वरदत्त उपाध्याय जी का बेबाकी से बातचीत तहलका न्यूज ने किया और उन्होंने अपने मेरे तहलका न्यूज के प्रश्नों का जवाब दिया। इसी क्रम में आज मैं दोहरी घाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे और रेशमी डिग्री कॉलेज के संस्थापक सागर यादव जी के सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं इस समय उनके डिग्री कॉलेज पे हूँ और मैं सीधे तहलका न्यूज से के प्रतिनिधि के रूप में उनसे वार्ता करूँगा। प्रमुख जी, जब आप ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे तो उस समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? जब मैं पहली बार शपथ ग्रहण किया उसके बाद मुझे लगा, जब आप ब्लॉक प्रमुख चुने गए तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? जब हमने पहली बार शपथ लिया तो मुझे पहला वो गांव दिखा जिस गांव में सदियों से लोग 3 महीने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, 3 महीने वो लोग मार्केट नहीं जाते थे। वो गांव है देवरिया बॉर्डर पर डोरला, और मैंने उस गांव को से सूरजपुर की दूरी 5 किलोमीटर थी और मात्र 5 किलोमीटर बंधा के लिए वो गांव सदियों से प्रताड़ित है, आज भी प्रताड़ित था। मैंने डीएम साहब नरेंद्र पटेल जी जब डीएम थे हमारे यहाँ मौज लेके, मैंने उनसे जाकर के मिला और मैंने अपनी समस्या को उनको बताया। उन्होंने एक्शन सिंचाई विभाग को उन्होंने भेजा और कहा कि उसे देख करके आप हमें बताओ। वो वहाँ पर गए, उन्होंने ला करके रिपोर्ट दिया और कहा कि सर सही है, यहाँ बंधा बनना चाहिए। और ये बंधा बन जाने से 40 गांव जो प्रताड़ित है, 3 महीने जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, 3 महीने लोग मार्केट नहीं जा पाते हैं, बाढ़ आने पर और ये लोग आकर के बंधे पर निवास करते हैं जब बाढ़ आ जाता है, हाँ, तो ये जो है ये दूर हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत रिपोर्ट बनाया और उन्होंने लखनऊ शासन को उन्होंने बना करके भेज दिया। मैंने अपने कार्यकाल से अपने प्रमुख के कोटे से जो भी मनरेगा के तहत हुआ, मैंने 2.5 किलोमीटर का बंधा तैयार करवाया, मैंने 5 पुल बनवाए मनरेगा के तहत। और उसके बाद मैंने, तब तक आ गए थे वैभव श्रीवास्तव जी डीएम साहब, मैंने उनको बुला करके उसका उद्घाटन करवाया। डीएम साहब ने कहा कि आपने जो काम किए हैं ऐसा काम शायद कोई ब्लॉक प्रमुख करेगा। ब्लॉक प्रमुख सागर यादव जी का ये कक्ष है जहाँ से आप इस विद्यालय का संचालन करते हैं और इस विद्यालय में आप समय से उपस्थित होकर शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हैं और उत्साहवर्धन के साथ बच्चों से स्वयं मिलते हैं और पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा। ऐसा इनके द्वारा किया जाना एक अभिभावक के रूप में जो एक कर्तव्य और जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए उनको देख करके सभी बच्चों के अभिभावकों को बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए तहलका न्यूज़ जिन्हें साधुवाद दे रहा है। रेशमी डिग्री कॉलेज में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के जनक हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी और महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य फोटो भी है, भगवान भोलेनाथ भी हैं और यहाँ माँ सरस्वती जी का फोटो लगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अंदर है, मन में है, जो एक संकल्प है, वही साधना में भी है। हल्का न्यूज़ के माध्यम से आप
अपना थोड़ा आने वाली भविष्य की योजनाओं को अगर आपको लगे तो मुस्कुरा के बताइए, क्या राजनीति में आगे भी आप कदम बढ़ाएंगे? अभी अभी समय नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी पहले हम लोगों को देखना है कि इसका क्या है, परिणाम क्या आता है, अब उसके बाद फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। आप इस समय किस पार्टी में हैं? बहुजन में। बहुजन समाज पार्टी में हैं? बिल्कुल, आप बहुजन समाज पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में ब्लॉक प्रमुख सागर यादव जी काम करते हैं। समाज में इनका बड़ा एक मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और जब इनके कॉलेज पे एनुअल फंक्शन होता है, कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, तो क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि सागर यादव जी ने मुंबई से आकर के जिस देश में रहूं या परदेश में रहूं, अपने ही राव माटी के रावरों कहूंगा। शिक्षा का दोहरी घाट से लेकर के और मधुबन मार्ग के मध्य में यही एक ऐसा इकलौता कॉलेज है जहां शिक्षा की सारी व्यवस्था उपस्थित और उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाज सेवी और समाज के लिए समर्पित व्यक्ति सागर यादव जी को सुन रहे थे। अगर इनके विचार आप लोगों को अच्छे लगे हों, एक संदेश दे दीजिए तहलका न्यूज़ के माध्यम से कि 2000 जो ये लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें आप मतदाताओं से क्या कहेंगे कि लोग सभी लोग घर से निकलें और मतदान करें? बिल्कुल, सभी लोग निकलें और अच्छे प्रत्याशी को अपना वोट दें, और हम तो कहेंगे बहुजन के होने के नाते कि गठबंधन प्रदेश में जीत रहा है, आप गठबंधन को वोट दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जिसके भी साथ रहिए, दमदारी से रहिए। मेरा तो कहना है कोई बुरा ना माने, क्योंकि बुरा मानना भी नहीं चाहिए, जो भी करिए पूरी ईमानदारी से करिए, या तो ईमानदारी करिए या तो बेईमानी करिए, लेकिन दोनों ईमानदारी से करिए। इसलिए जहाँ भी रहिए भाई, देखिए अपना पुत्र कितना हो भी कुपुत्र हो जाए, लेकिन वह सदैव अपने वंश का, वो सूर्य वंश होता है, अपने वंश का चिराग होता है, और माता पिता कितना भी बुरे हो तब भी वो अपने जन्मदाता होते हैं और पुत्र कुल का दीपक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए तहलका न्यूज़।